परेशानियां जो हमको भी फालतू ही लड़की लगती है, उसको तो गाली मतलब कि हरामी वरामी सब बोल देंगे, उनको पगलवा बाबा है कि तेलंगवा बाबा है पता नहीं ऐसे प्यार होता है। अभी बोल रही थी तानिया जा कि मजा भी तुम मेरे से ले लियो, तो कोई भी ले ही सकता है, कोई भी उससे मजा ले सकता है, बुढ़वा तो मिल गया है मगर युवा उसको नहीं मिले। जी जी, मीडिया में तो ऐसे भाषण देता है ना, लगता है क्या एक लौंडा की तरह, लौंडा की तरह लगती रहती है जी। की 10 से देख के 20 ला, 20 से देख के 21 ला, या उसको पगल बाबा लिया था क्या जी। लहरिया लूटे राजा, मुआ बापे ढाली के चधरिया, लहरिया लूटे राजा की पतिया नतिया पटनाबा, आ देवरा ढोरी चटनाबा, आ बाबा ढोरी चटनाबा। तनिया मतलब बाबा उसका ढोरी चाहता था कि गोरी फूला झड़ी बारू, पापा के परी बारू, लगलू पसाबे तू तपा, पियर फराक वाली। तो हमको भी ढोड़ी चोली ये सब पे उतरना ही पड़ेगा, क्या करेंगे, साइड में जाते तो अच्छा रहता। हाँ हाँ, वहाँ चले, समझ रहे हो, समझ रहे हो। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिराज और अभी आप सब देख रहे हैं अभिराज 24 न्यूज चैनल के माध्यम से। ध्यान से देखिए इस लड़की को, ये एक गायिका है, गायिका को लेकर बहुत सारे विवादित गाने चल रहे हैं दोस्तों, जैसा कि तानिया झा के बारे में सुन रहे होंगे, जो कि कहीं न कहीं एक ऑर्केस्ट्रा वाली से भी बदतर है दोस्तों। उसी के विषय में जो है आज खास बातचीत चलेगा दोस्तों, उसी पर चर्चा चलेगा, आप लोग खुद सुन सकते हैं वीडियो के माध्यम से। एक झाजी है जो मेरे साथ में, ये भी लड़की है झाजी है, वो भी झाजी है, मगर उसका कहानी इसका कहानी कुछ अंतर है। अंतर यही है, ये मैथिली गाना गाते हैं जो सीतामढ़ी में रहकर, एक छोटे था मार्केट में रहकर, शहर में रहकर, मगर वो पटना रहकर एक ऐसा गाना गाते हैं जो पूरा बिहार के पूरा देश को बदनाम कर दिया है, हर लड़की को घर से निकलने में मजबूर कर दिया है। तो दोस्तों इस बात से यही तात्पर्य होता है कि कहीं न कहीं जो है खराब गाने गाने से हमारे समाज पर बहुत बुरा असर पड़ता है, इसके कारण दोस्तों जो अच्छे शब्द है उसको दबाए जा रहे हैं, जो खराब शब्द है उसको ऊपर उठाया जा रहा है। चलिए जानते हैं, अभी दर्शक देखने वाले हैं, प्यार भरा सबको नमस्कार। क्या नाम हुआ, अपना परिचय दे। मेरा नाम रश्मि झा हुआ, मैं सीतामढ़ी से हूँ। आप ही का जाति का है जो तानिया झा है, आप जानते हो गया, ऐसे फेमस है, बहुत बहुत टीआरपी उठाते हैं, कभी पगलवा बाबा से प्यार हो जाता है, कभी किसी से उसको प्यार हो जाता है, जवान लड़का उसको नहीं दिखाई देता है मगर जो बुरा आदमी रहता है वो दिखाई देता है, इस पर क्या राय है आपका। तानिया झा हमको भी फालतू ही लड़की लगती है, क्योंकि वो बहुत एडल्ट गाना गाती है, उसको तो गाली मतलब कि हरामी वरामी सब बोल देंगे, लेकिन थोड़ी लाइन में क्या उनको गाली दे, लेकिन वो फालतू लड़की, उनको कोई यंग से प्यार नहीं, उनको बुजुर्ग से प्यार होता है, उनको पगलवा बाबा है कि तेलंगवा बाबा है पता नहीं मिस्टेक हो रहा है, वो उनको आई लव यू बोलते हैं, बोलते हैं आई लव यू, हम मर जाए रहुआ बिना रहुआ आ जाए, मतलब कि क्या क्या बोलते हैं। तो तानिया झा उसी लाइक है, उनको गाने का सुर न ताल है, और पटना शहर में रखकर पब्लिक को चुतिया बना रही है वो। अभी बोल रही थी तानिया झा कि मजा भी तुम मेरे से ले लियो, पता नहीं किसको बोल रही थी, तूफानी लाल यादव की, और मुझे बदनाम भी कर रहे हो, तो उससे तो कोई भी ले ही सकता है। जब एक मजा करने वाले लड़कियां जो कोई भी उससे मजा ले सकता है, बुढ़वा तो मिल गया है मगर युवा उसको नहीं मिले। जी जी, गाना ही उस टाइप की गाती है कि कोई बूढ़ा आदमी उनको इश्क करने लगता है। हाँ। यंग लोग तो वैसा गाना सुनेंगे नहीं। हाँ। जी क्या लग रहा है, आप भी तो एक झाजी है, आप भी सोच सकते हैं जो मेरे ही कास्ट का लड़की है जो ऐसा कर रहे हैं उसके बारे में हम गलत कैसे बोलेंगे, मगर आप क्यों उसके बारे में गलत बोल रहे हैं। देखिए झा है वो भी झा, इसी मतलब नहीं, अच्छे चीज को हम लोग प्रोत्साहन करते हैं। हाँ। क्योंकि उनके चलते हम लोग को स्टेज में बहुत दिक्कत आती है। हाँ। वो इतना गंदा गाना 10 देके 20 ला, 20 देके 21 ला, 500,000 देके ओहो में से चीखला। हाँ। इतना गंदा गंदा गाती है। हाँ। तो हम लोग को इसी चलते हम उनको गाली देते हैं, उनसे एक भी गाना अच्छा गाना नहीं गा पाएंगी। हाँ। लेकिन ये गाना कहेगा तो फटा हुआ आवाज है, हमको लगता है कि मीडिया में भी एक लाइन का गाना नहीं गा सकती। जी मीडिया में तो ऐसे भाषण देता है ना, लगता है क्या एक लौंडा की तरह, लौंडा की तरह लगती रहती है जी। तो कोई एंगल से वो लड़की लगती है। हाँ। लगती है। हाँ। तो लौंडा है वो, हमको कैसे कह सकते हैं वो लौंडा है। उनके उनके बोलने का तरीका ऐसे करके ऐसे करके ऐसे गमछा रखेगी लड़का की तरह, ऐसे करके मतलब कि उनका पागल की तरह। जी लड़की है तो लड़की का सीमा पार मत कीजिए। वो किस तरीका से एक गाना सुनाते हैं पब्लिक को और पब्लिक देखता है, मगर आप जिस तरीका से सुनाते हैं आपका गीत सुनने के लिए पब्लिक नहीं चाहते हैं, पहले आप उसका गीत सुनाइए, वो किस तरीका से गाता है। वो गाती है, अभी एक मतलब कि एक आदमी उससे पूछा था कि आप इस तरह का गाना क्यों गाते हैं, बोलते हम क्यों नहीं गाएंगे, हम गाएंगे कि 10 से देख के 20 ला, 20 से देख के 21 ला, 500,000 देख के ओह में से चीखला। इतना गंदा गाना गाती है। उसको पगल बाबा लिया था क्या, पता नहीं, आप तो उसी से पूछेगा, हम तो नहीं बता सकते। लिए होंगे तभी तो ऐसे गंदा गंदा बात बोल रही। जी दूसरा क्या गीत उसका है। एक उनका स्टेज पे देखे थे, आप लोग भी देख सकते हैं, लहरिया लूटा राजा गाई थी, मतलब कि दूसरी स्केल से, हम सिंगर है तो हम जान सकते हैं, वो पांचवी स्केल से गाई थी। कैसे गाई, अच्छा कैसे गाते हैं बता दें,
हम अपने आवाज में गा रहे हैं, उनका आवाज ऐसा, उनका आवाज तो लौंडा की तरह है। लहरिया लूटे राजा, लहरिया लूटे राजा, मुआ बापे ढाली के चधरिया, लहरिया लूटे राजा। वो गाई थी लहरिया लूटे राजा लहरिया, मतलब कि फालतू जैसे गाती है जी। जो एक धोरी वाला उसका बहुत फेमस हुआ था गीत, वो सुना दीजिए थोड़ा। वो गाई थी कि पतिया नतिया पटनाबा, कि पतिया नतिया पटनाबा, आ देवरा ढोरी चटनाबा, आ बाबा ढोरी चटनाबा। तनिया जाकर हरामी, तनिया जाकर बाबा ढोरी चटनाबा जी। हमको भी यही लगता है, तब ना इतना गाना। और उसी डायरेक्ट बोलती है कि हम किस जिसके साथ हमको मन होगा उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे। हमको कोई बोलने वाला है? तनिया जा इतना गंदा गंदा बात बोलती है। इसका मतलब बाबा उसका ढोरी चाहता था? पता नहीं, हम तो देखने नहीं गए थे। थोड़ा आप अपना आवाज में सुना दीजिए अपना गीत, आप किस तरीका से सुनाते हैं। हे गौरा तोहरो सजन माना, हे गौरा तोहरो सजन माना, तोहरो सजन माँ किछियो न जाने से ऑर्डर धरन माना। आप सबसे ज्यादा किस से प्यार करते हैं? हम अभी किसी से प्यार नहीं, अपने मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। लाइफ में प्यार करने का बहुत जीवन भर बचा हुआ है, अभी प्यार वार के बारे में किसी से नहीं सोचे हैं ना। उनका हिट हुआ था पवन जी का, जो मतलब कि मिलियनों में लेके गया है। कि अल्लाह बरात करे या कि हमसे बात करे, आ मांगे में मोबाइल नंबर लगातार हाथ धरे, कि गोरी फूल झड़ी बारू पापा के परिवारू, लगलू पसाबे तू तपा पियर फराक वाली, कचा कचा मारा तारुआ पियर फराक वाली। सिंगर में सबसे अच्छा कौन है आपके लिए? मेरे लिए पवन जी है। जी एक सवाल और रहेगा, आप जो मैथिली गीत गाते हैं उसमें फेमस नहीं होइएगा तो क्या आप भी भोजपुरिये में आइएगा, जो ढोरी चतनाबा देवरा यही सब आप भी गाइएगा? देखिए, अच्छे गीत को लोग प्रोत्साहन नहीं करेंगे तो लोग क्या करेगा मजबूरी में, अगर अच्छे चीज़ को वो लोग सपोर्ट करेंगे तो वही गाएंगे, नहीं तो हमको भी ढोरी चोली ये सब उतरना ही पड़ेगा, क्या करेंगे। सो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? मुझे तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों। तो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद जय भारत।